दोस्तों, वेलकम टू डेकोरेटिव टाइल एंड मार्बल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए फ्लोर टाइल डिज़ाइन लेकर आए हैं और ये डिज़ाइन डोरमेट में यूज़ होता है। तो आइए, डिज़ाइन कैसे बनाना है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने इनकी कटिंग करनी है। ये कटिंग हमने की है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर है। तो इसको अभी हम ये जो हमारा फर्म है ये यहाँ पर रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे, यहाँ सर ये हमने यहाँ पर इसका निशान लगाया है और इसकी हम कटिंग करेंगे। ये भी हमारी कटिंग हो गई है। जो इसकी लंबाई है ये 11.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ये अभी देखिए, ये हमारा पीस बराबर हो चुका है और इसी तरह हमने सब पीसों की कटिंग करनी है। जैसे कि ये ब्लू पीस है, इसकी भी हमने सेम कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ये सेम कटिंग की है और ऐसे ही है, सेम कटिंग की है, ठीक है। और उसके बाद अभी हमने ये जो ग्रीन कलर की टाइल है उसको भी सेम 5 सेट की चोटी काटनी है। और ये हमने ग्रीन कलर का पीस काटा है, इसकी भी हमने सेम कटिंग करनी है। ये भी हमारे जो तीनों पीस है बराबर हैं। और उसके बाद हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है हम आपको दिखाते हैं। अभी हम आपको डिज़ाइन बना कर दिखा रहे हैं और ये हमने कटिंग करी है, ये जितने भी पीसेस रखे हुए हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं इनका डिज़ाइन कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ब्लू पीस लेना है और इनको इस तरह लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने व्हाइट पीस लेना है और जैसे ये ग्रीन पीस है इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, ऐसे ही सेम ये ग्रीन और वाइट मिलाकर ऐसे इसको मिलाना है। और ऐसे ही अभी हमारा जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनता जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप हमने जैसे ये अभी ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा चेंज किया है और उसके बाद हमने जो ये ब्लू और वाइट पीस है इसको मिलाना है और जो सेंटर का पीस है इसमें ये ग्रीन है और ऐसे ही हमने सेम लगाना है। ऐसे हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। और उसके बाद ऐसे ही इसको हम चेंज करते जाएंगे। अभी जो हमारा कलर है वो ग्रीन और ब्लू है और जो बीच में सेंटर में पीस आएंगे वो वाइट पीस आएंगे। ऐसे हमने इनको लगाते जाना है और हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होता जाएगा।